गुड मॉर्निंग अपरूम फैमिली, अपरूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। यू नो, वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जो हमें अपने घुटनों पे ले आते हैं, वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं, वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जो हमें अंदर से इतना ब्रोकन बना देते हैं कि हम अपनी सारी आशा खो बैठते हैं। अगर आज आप ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं जहां आपको हर चीज़ टूटी हुई दिख रही है, जहां आपको कोई आशा नहीं नज़र आ रही है, तो आज पास्टर मोसेस डेविड वचन से आपको सिखाना चाहते हैं कि ऐसी बेकार परिस्थिति में अपनी आशा यीशु मसीह पे लगाएं। दैट ही इज़ दी ओनली होप दैट कैन डिलीवर यू फ्रॉम योर सिचुएशन। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने, आइए हम ब्रदर हर्षल के साथ आराधना करें। तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा स्वागत हम करते हैं खुदा, तेरी हुजूरी में हम आते हैं। इन योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, इन योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, इन योर प्रेजेंस हम अपने दिल को खोलते हैं, हम अपने मन को खोलते हैं और सच्चाई से और पूरी आत्मा से तेरी आराधना हम करते हैं खुदा। तू महान है, तू महान है खुदा। अपर रूम चर्च इंडिया, आए हम आराधना में जाए। हम जहां कहीं भी है उसे हम बुलाते हैं, हम अपने दिल में हमारे जीवन में उसे हम पुकारते हैं। करुणा भलाई हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमें कोई घटी नहीं होगी, हमें कोई घटी नहीं होगी। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं सहारा है मेरा,
समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर बचाया है और नया जीवन दिया है। कैसे हम तेरा शुक्रिया कर सकते हैं खुदा? बस तेरा धन्यवाद करना चाहे, तेरा शुक्र अदा करना चाहे, क्योंकि हर एक समय में तू हमारे साथ रहा है। हम धन्यवाद देते हैं तुझे। मौत से, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको से, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर, तेरा नाम रहे ऊंचा।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Can we sing that line again? करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु, केवल तेरा ही नाम ऊंचा रहे। हम जो कुछ भी करें तेरा नाम ऊंचा रहे। हम धन्यवाद देते हैं तू आज हमारे बीच में है खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से है वहां मैं हूं। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू लॉर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग इन आवर लाइव्स लॉर्ड। वो हर एक चीज जो हमारे जीवन में तू आज तक करते आ रहा है प्रभु, और आगे जो करने वाला है, उसके लिए आज ही हम हाथ उठाकर तेरा नाम ऊंचा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति में आज हम मगन होना चाहते हैं प्रभु, मगन होना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देकर इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, अपर रूम चर्च दिल्ली, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इतना अच्छा फिर से एक बार हम सबको मौका दिया ताकि हम सब मिलकर उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। मैं हमेशा जब भी मैं प्रभु की आराधना करता हूँ मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि देर इज़ फ्रीडम इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के घर में कोई बंधन नहीं है। आज आप ताली बजा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, अपने घर में आप नाच सकते हैं, बट जो कुछ भी कीजिए वो मेरे लिए नहीं पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कीजिए। आमीन, बिकॉज आई बिलीव If God is in our midst today, everything is possible. जो इस गीत को आज हम गाने वाले हैं, उस गीत का नाम है हे जावेदा। जावेदा का मतलब है तारनहारा। जावेदा का मतलब है, जावेदा एक उर्दू वर्ड है और उसका जो मतलब है वो है तारनहारा। और प्रभु ने हमारा तारण कब का किया है, Amen? उस सूली पर वो हमारे लिए मरा, उस सूली पर वो हमारे लिए चढ़ा हम सब के पापों को लेकर, और हमारा तारण कब का हुआ है, Amen? हमारा तारण कब का हुआ है, क्योंकि यीशु ने हमें बचाया है, यीशु ने हमें बचाया। वो ही आदि है, वो ही अंत है, वो ही आदि है, वो ही अंत है, यीशु ने हमें बचाया। So are you ready to worship with me, church? Come on, let's worship him, let's give him glory. हे जावेदा यीशु मसीहा,
सब मिलकर हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अवल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। संग बोले हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की विराग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की विराग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। संग बोले हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। Hallelujah, 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 hallelujah. क्या हम सब मिलकर गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। Come on church, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। Can you sing that? तू अवल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु
मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा संग बोले हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा ओ हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा यीशु जैसे मैंने पहले कहा कि प्रभु जो है हमारा तारनहारा है और प्रभु ने हमें सब चीज़ों से बचाया है। हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, बट लेट अस थैंक गॉड कि आज तक उसने हमें बचाए रखा, उसने हमें जिंदा रखा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मैं आपको encourage करना चाहता हूँ। कभी-कभी हम खुद की तारीफ करते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं, पर प्रभु की तारीफ करना भूल जाते हैं। अच्छे-अच्छे कपड़ों को हम पहनते हैं, सब कुछ नया लेते हैं, बट इस दौरान हम भूल जाते हैं कि द सोर्स दैट वी गेट फ्रॉम, जो कुछ भी जिससे हमें मिलता है प्रभु से, उसकी तारीफ करना कभी कभी हम भूल जाते हैं। बट लेट अस डिक्लेयर टुडे, लेट अस मेक अ फ्रेश कमिटमेंट अन टू द लॉर्ड एंड उससे कहते हैं कि प्रभु मैं जो कुछ भी करूं तेरी तारीफ हो, मैं जो कुछ भी बोलूं तेरी तारीफ हो, है ना। वो चाहे पब्लिकली हो, वो चाहे प्राइवेटली हो, वो चाहे मुझे हजार लोग देख रहे हो या चाहे मुझे कोई ना देख रहा हो, पर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। मैं जो कुछ भी सोचूं उसके द्वारा तेरी तारीफ हो, मैं जो कुछ भी गाऊं, मैं जो कुछ भी करूं इस जीवन में जब तक मुझ में जान है, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो खुदा, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। तारीफ हो, तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो। तारीफ हो, तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो। क्या मिलकर गाए, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो। जो सोचूं मैं तेरी तारीफ हो, जो बोलूं मैं तेरी तारीफ हो, जो सोचूं मैं तेरी तारीफ हो, जो बोलूं मैं तेरी तारीफ हो। Can you sing that? जो सोचूं मैं तेरी तारीफ हो, जो बोलूं मैं, जो बोलूं मैं तेरी तारीफ हो, तारीफ हो,
चर्च तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो तेरी तारीफ हो खुदा तेरी तारीफ हो खुदा जो करूं मैं तेरी तारीफ हो इस जीवन में तेरी तारीफ हो जो करूं मैं तेरी तारीफ हो इस जीवन में तेरी तारीफ हो जो करूं मैं तेरी तारीफ हो इस जीवन में तेरी तारीफ हो जो करूं मैं तेरी तारीफ हो इस जीवन में तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो जब गाऊं मैं तेरी तारीफ हो मेरे जीवन में तेरी तारीफ हो जब गाऊं मैं तेरी तारीफ हो इस जीवन में तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो कैन वी सिंग दैट जो गाऊं मैं तेरी तारीफ हो इस जीवन में तेरी तारीफ हो जो गाऊं मैं तेरी तारीफ हो इस जीवन में तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो Come on, just sing it me तारीफ हो तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो मेरे यीशु की तारीफ हो हाँ प्रभु जो कुछ भी मैं करूं जो कुछ भी मैं सोचूं इस जीवन के द्वारा प्रभु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो खुदा लॉर्ड वी मेक अ फ्रेश कमिटमेंट अनटू यू टुडे नो मैटर हूएवर इज वॉचिंग अस चाहे मुझे कोई देखे या ना देखे वो चाहे पब्लिकली हो या चाहे मैं अकेला हूं या सबके सामने हूं मेरे विचारों के द्वारा मेरी सोच के द्वारा मेरे बर्ताव के द्वारा इस जीवन के द्वारा तेरी तारीफ हो खुदा तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तू आज हम सब के बीच में था प्रभु और आज इस आराधना को तूने स्वीकार किया इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूं लॉर्ड आई ब्रिंग एवरीवन इनटू योर हैंड्स ओ लॉर्ड जो कुछ भी हमें जो लोग हमें देख रहे हैं आज लाइव प्रभु उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं और उन सब के द्वारा प्रभु तेरी तारीफ हो उन सब के द्वारा तेरी तारीफ हो सारा आदर
सारी महिमा हम तुझे देकर इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हाय प्रेज द लॉर्ड, फिर एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये एक सुंदर सुबह है हम सब के लिए कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति महिमा करें। हालात जो भी हो, परिस्थितियाँ जो भी हो, मगर जब एक प्रभु का बच्चा अपने विपरीत परिस्थिति में, बिगड़े हुए हालातों में, जब वो प्रभु की आराधना करने पर ध्यान देता है, जब वो प्रभु की उपस्थिति में बैठता है और ये विश्वास करके कि मेरा परमेश्वर सब कुछ सुधार सकता है, मेरा प्रभु सब कुछ ठीक कर सकता है, तब मैं आपसे कहता, इस बात को, इस विश्वास को देखकर आपका मेरा यीशु प्रसन्न होता है। वो हमारी परिस्थिति में उतर कर आता है, अपनी बड़ी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। आज की सुबह मेरी ये प्रार्थना है, आप जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जो भी हालातों में हो, चिंताएं, परिस्थितियां, परेशानियां, जो भी आपको परेशान कर रही है, आज आपका विश्वास, आज आपकी आराधना उसे प्रसन्न करने वाली हो, और वो ऐसी हो कि प्रभु आपको देखकर आपकी परिस्थिति में उतर आए और बड़ी अपनी महिमा आपके जीवन के इस परिस्थिति में प्रकट करने पाए। एक जीवन को देखकर हम आज की कुछ इन बातों को सीखेंगे। आप निकालिए मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय 21 वचन से याईर के जीवन की कहानी में से आज कुछ बातों को हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे। यही स्टोरी हमको लूका 40वां अध्याय से 56वां वचन तक भी मिलती है। जैसा प्रभु का आत्मा हमको लेकर जाए हम जाएंगे। पढ़िए मेरे साथ में। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हुई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नाम या आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। देखो बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह बोट में होकर यीशु मसीह बैठकर आया और बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी भीड़ के विषय में थोड़ा सा खुलासा लूका में लिखा हुआ है। यदि हम पढ़ेंगे लूका 8वां अध्याय का 40वां वचन तो देखो थोड़ा सा खुलासा उसके विषय में लिखा है। पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा अपने आंखों के सामने चित्र आने दो। बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह के आने की राह देख रही है, और ये बड़ी भीड़ जब यीशु आता है तो उसको आनंद के साथ स्वीकार कर रहे हैं। एक इसका मतलब यीशु मसीह वहाँ पर है और एक आनंद का माहौल है, एक खुशी का माहौल छाया हुआ है जहाँ पर यीशु मसीह है। बाइबल का वचन कहता है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। एक ऐसा माहौल जहाँ पर जीसस प्रेजेंट है, लोग खुश है, आनंद में है लोग। उस आनंद के माहौल में एक जगह उसी जमीन पर एक जगह आनंद माहौल है, मगर जिस जगह पर यीशु आया उसी जगह में एक घर है, थोड़ी दूरी पर एक घर है, जारस का घर, जहां पर आनंद नहीं है। उस घर में दुख और मातम छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जारस की, याईर की एक ही बेटी है। बड़े दीवानगी से अपने बेटी से ये बाप प्यार करता है। एक ही बेटी है, न जाने क्या बीमारी है उसको, वहाँ पर लिखा नहीं है। मैं बड़ा सरप्राइज करता हूँ, 3 जगह में, मत्ती में, मार्क में, लुक में, 3 जगहों में लिखा हुआ है कि वो बीमार हो गई थी, बहुत बीमार हो गई, मगर उसके बीमारी का वर्णन नहीं लिखा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। और जब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा उसकी बीमारी के विषय में क्यों नहीं लिखा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कहानी में बीमारी क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कहानी में यीशु क्या कर रहा वो महत्वपूर्ण है। और लेखक जब लिखता है तो वो आपके ध्यान को यीशु की ओर ले जाना चाह रहा, बीमारी की ओर नहीं। और आज यही बात मैं आपसे कहना चाहता, परिस्थितियां तो है, हालातें तो है, बीमारियां ऐसी खबरें हमारे कानों पर तो है जिसका शायद कोई जवाब नहीं दुनिया के पास में, मगर आज ये वचन हमसे कह रखा है, ध्यान उस पर मत दो, ध्यान यीशु पर दो, ध्यान यीशु पर दो। यीशु मसीह आया और खुशियां आ गई, सब लोग आनंद में गए। प्लीज चित्र को देखना, आनंद का माहौल है। एक आदमी अपने घर में दुख के माहौल में है,
बड़ा दुखी है, वैद्यों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, मगर कोई इलाज नहीं हो रहा। शायद बेटी का शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, कंडीशन बदतर बदतर हो रही। शायद उसको आखिरी खबर ये दे दी गई, कुछ इलाज नहीं है याहिर, एक काम कर बेटी को घर ले जा, रिश्तेदारों को बुला ले, जब तक जिएगी जिएगी, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। याहिर अपनी बेटी को घर पे ला लिया। मुझे चित्र दिखाई देता, याहिर ने अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटा के रखा। तमाम रिश्तेदार, घर परिवार के लोग सब वहाँ पर इकट्ठा गए। उनको मालूम है कभी भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, बेटी के पास ज़्यादा समय नहीं है। याहिर अपनी बेटी को देखता है, अपनी बेटी के हाथ को पकड़ता है। जान से प्यारी बेटी, उसकी एक ही बेटी, एक ही बच्चा, आप सोच के देखो उसका कंडीशन। अपने बेटी के हाथ को पकड़ता है, उसकी बेटी जो भी तबीयत खराब है उसमें शायद जब आँख खोल के अपने पापा को देखती होगी तो उसका पापा कहता, बेटा डरना नहीं, पापा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, डरना नहीं, तुम अच्छे हो रहे हो बेटा। बाप जानता है वो बेटी को सांत्वना के शब्द बोल रहा है, मगर डीप डाउन अंदर पता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बाहर से मुस्कुरा रखा है बेटी को दिखाने के लिए, बेटी सब अच्छा होगा, मगर अंदर से बाप रो रखा है, क्योंकि उसे मालूम है कुछ समय में, कुछ पल में, कुछ दिन में मेरी बेटी सदा के लिए चली जाएगी, मेरे पास से चली जाएगी। वो पल, उस दिन को याहिर देखना नहीं चाहता है, हर एक चीज करने के लिए तैयार है। याहिर आराधनालय का सरदार है। वो कैसी प्रार्थना आराधनालय में किया होगा हम नहीं जानते, उसने किस तरीके से सारे लोगों को खबर पहुंचाई होगी, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, क्या चढ़ावा चढ़ाना है, मैं चढ़ाने के लिए तैयार हूं, हर एक चीजों को उसने किया होगा, मगर अंत जवाब यही है, बेटी का कुछ नहीं हो सकता। दुख छाया हुआ है, गहरा दुख छाया हुआ है। ध्यान से सुनना, दो चित्र है, एक घर, गहरा दुख, जिस दुख का जवाब नहीं, उस दुख में से निकालने की ताकत दुनिया में किसी में नहीं, मगर एक दूसरे जगह ऐसा आनंद, क्योंकि आनंद का परमेश्वर वहां उपस्थित है, जिसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भीड़ में आनंद ही आनंद, लोग खुशियों में भरे हुए हैं। ऐसे समय में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वहां पर लिखा नहीं है मगर मुझे दिखाई देता है, कोई एक बंदा जब वो उस आनंद में था, उस खुशियों में, उस आनंद में था, उसको सडनली शायद याहिर का घर याद आया, याहिर की बेटी याद आई, और वो शायद वहां से दौड़ के उस आनंद के माहौल से निकला, दौड़ के याहिर के घर में आया और याहिर से कहता, याहिर यीशु आया है, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिलाता है, अद्भुत अजायब काम होते हैं, न जाने कितने असंख्य बीमारों को उसने चंगा किया, लोग रास्तों में, खटोलों में, खाट में, रास्ते पर लाकर बीमारों को रखते हैं, और ये यीशु छूता है, इसकी छांव गिरती है और बीमार चंगे होते हैं। याहिर तेरी बेटी चंगी हो जाएगी, याहिर यीशु आया है हमारे नगर में, एक खबर याहिर के कान पर पड़ा। सुनो मेरी बात, याहिर के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को उठाकर यीशु के पास लेकर जाए, या तो यीशु को अपने घर लेकर आए। और मुझे याहिर ने जो भाग चुना मुझे पसंद आता है। याहिर ने अपनी बेटी को यीशु के पास लेकर नहीं आया, याहिर ने यीशु को अपने घर लेकर आया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर क्या डिजायर है? क्या आप अपनी परिस्थितियां लेकर यीशु के पास जाना चाहते हैं, या आप यीशु को इनवाइट करना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं, जीसस मेरे घर में आओ, यीशु मेरी जिंदगी में आओ, यीशु मेरी परिस्थिति में आओ, यीशु मैं आपका स्वागत करता हूं, यीशु आपके आने से सब सुधर जाएगा, आपके आने से सारी हालातें सुधर जाएगी। मुझे ये चित्र दिखाई दे रहा जैसे उस समय में प्रैक्टिकली याहिर अपने घर के दुखी कमरे से निकलकर यीशु मसीह से मिलने आनंद के माहौल में गया। हम यहाँ याहिर है, मगर हमारे समय में हम प्रार्थना में निकलते हैं, अपने दुखी हालातों में से निकलकर हम प्रार्थना में,
स्वर्गीय स्थानों में हमारी प्रार्थनाएं आनंदी माहौल में प्रवेश करती है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है और जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, जिसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब एक दुखी व्यक्ति के दिल की पुकार उस आनंदी माहौल में पहुंचती है, उस तकलीफ के उस खुशियों के माहौल में, ये तकलीफ और पीड़ाओं में पड़ा हुआ व्यक्ति कराहकर प्रार्थना करता है। बाइबल का वचन कहता याईर परमेश्वर के सामने घुटने पर गिर गया। जब आप अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति में प्रार्थना में प्रभु के सामने घुटने पर गिर जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा चित्र दिखाई देता है, मैं आपको ले जाना चाहता, ध्यान से सुनो। यहां पर आ जाओ, मरकुस इसका 5:22 पढ़ेंगे। मरकुस 5:22 ध्यान से सुनो। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा जब सब लोग आनंद से नाच रहे गा रहे थे, यह आदमी रोता हुआ प्रभु के चरण पर गिर गया। आनंद नहीं कर पा रहा, रोता हुआ प्रभु के चरण पर गिर गया। आराधनालय का सरदार है, किसी की परवाह नहीं किया दुनिया क्या बोलेगी क्या करेगी, क्योंकि अब ना आई एम डेस्परेट, वो कहता है, मैं ऐसे हालात में, मैं ऐसे पोजीशन में हूं जहां एक डेस्परेट नीड में हूं, मैं मुझे चाहिए मेरा मिराकल, मुझे चाहिए मेरा आश्चर्य कर्म, मुझे चाहिए ये हालात में मुझे सुधार चाहिए, मैं थक गया हर जगह जाकर कहीं कुछ नहीं मिल रहा, मगर मुझे यीशु तेरे चरण पर ये छुटकारा ये राहत चाहिए। और याईर अपने अंदर जान गया यीशु के चरण पर मेरे लिए इलाज है। मैं आपसे कहना चाहता प्यारो, आपका मन आपको कुछ भी कहता होगा, आपके हालात परिस्थितियां आपको कुछ भी कहती होगी, क्या आज आप यीशु के चरण पर घुटना टेकने के लिए तैयार है? क्या प्रभु से कहने के लिए तैयार है, मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या करूं, यीशु मेरी बेटी का हाथ पकड़कर मैं कहता हूं बेटा सब अच्छा हो जाएगा, मगर मुझे नहीं पता अच्छा होगा भी कि नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो शब्द मैं बोलता हूँ वो शब्द पूरे होंगे क्या, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मेरे कानों में उन लोगों की आवाज़ें गूंजती है जिन्होंने मुझसे कह दिया बस अब और बेटी नहीं जिएगी, कंडीशन बहुत बदतर हो गया है, अब और जिंदगी नहीं है, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ ज़ोर से मेरे कानों में गूंजती है। मैं बोलता तो हूँ मेरी बेटी को सब ठीक हो जाएगा, मगर मेरे अंदर विश्वास नहीं हो पा रहा सब ठीक होगा, मगर यीशु जब मैंने सुना तू आया है, अंदर एक किरण जाग गई, जब मैंने सुना तू आया है, अंदर ऐसा लगा मेरी जिंदगी लौट आई है, अंदर ऐसा लगा जिस बात के लिए मैं आशा कर रहा हूँ वो आशा की किरण आ गई है, ओ मेरे लिए राहत आ गई है। मुझे दिखाई देता जब याईर के कान पर, याईर अपनी बेटी का शायद हाथ पकड़ कर होगा और वो फलाने व्यक्ति ने कहा याईर यीशु आया है, और यीशु ना ऐसे ऐसे पराक्रम के काम करता है, याईर यीशु आया है, याईर अपने बेटी का हाथ छुड़ाता है, शायद बेटी अपने बीमारी के कमजोर आवाज में कहती होगी पापा कहां जा रहे हैं आप, बाप कहता पापा अब भी आते हैं बेटी, कुछ नहीं होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पापा अब भी आते हैं बेटी, पापा अब भी आते हैं, मगर अंदर एक डर है कहीं मैं जा रहा हूं और रास्ते में मेरी बेटी चली जाएगी तो आखिरी पल में मेरी बेटी के पास में नहीं रहूंगा। पत्नी वहां से दौड़ के आके कहती है ऐसे समय में कहां जा रहे हैं आप, ऐसे समय में किधर जा रहे हैं, हम हर दरवाजा हम खटखटा कर थक गए, कोई इलाज नहीं मिला, मगर याईर कहता एक और बार, एक और कोशिश, एक और आखिरी कोशिश यीशु के चरण पर गिरकर मैं करके देखना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता आपने सारी कोशिशें कर ली होंगी, क्या एक और कोशिश यीशु के चरण पर गिरकर आप करने के लिए तैयार है, जगह आप यीशु से कहना चाहते जीसस आई नीड मिराकल फ्रॉम यू लॉर्ड, कोई नहीं है मगर मैं जानता तू कर सकता है लॉर्ड,
मैं तेरे चरण पर गिरा हूँ, इसका मतलब मैंने अपनी पूरी आशाएं तेरे सामने लाद दी है, मैंने तेरी ओर दृष्टि की है, मेरी सारी दुआएं तेरे चरण पर रख दी है और मैं तुझसे कहता हूँ मुझे तेरी सहायता चाहिए, मुझे तेरी सहायता चाहिए। आई एम ए हेल्पलेस फादर, आई एम ए हेल्पलेस मैन, मेरा पैसा काम नहीं आ रहा, मेरा रुतबा काम नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं आ रहा है, यीशु आई नीड यू। और मुझे ब्यूटी क्या दिखाई देती वहां पर मालूम, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला याइर सुन कल की मीटिंग में तेरी बेटी को लेके आना, आज यहां पर सब लोग हैं और भी लोग बीमार आए हैं, लोग मेरी राह देख रहे थे, याइर इतने सारे लोगों को छोड़कर तेरे अकेले के साथ घर आऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये सब लोग बुरा मान जाएंगे। यीशु मसीह ना, जब कोई उस पर बिगड़े हाल में विश्वास करता है ना, यीशु उस इंसान के लिए कुछ भी करने तैयार हो जाता है। जब बिगड़े हाल में विश्वास करता है और कहता मैं विश्वास करता तू कर सकता है, उसने क्या किया मालूम, इनवाइट किया जीसस कम टू माय हाउस, यीशु मेरे घर आ। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता याइर की बात की ओर, पढ़ेंगे 23 वचन। और यह कहकर उससे बहुत विनती की हाँ, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हाँ, तू आकर उस पर हाथ रख, हाँ, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हाँ, मेरी बेटी मरने पर है, मैंने देख लिया उसका कंडीशन, मरने पर है, यीशु तू आकर हाथ रख दे। वाह, ही बिलीव्ड, अपने अंदर उसने विश्वास किया यीशु हाथ रखेगा और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। बाइबल का वचन कहता है याइर प्रभु के चरण पर गिरकर विनती करने लगा, और मालूम यीशु मसीह बहाने नहीं बनाया, मगर तुरंत सारी भीड़ को छोड़कर एक याइर के साथ चला गया। देखो क्या लिखा है, पढ़ो, तब वह उसके साथ चला। हाँ, कम ले योर हैंड ऑन हर that she may be healed and she will live. 24 verse kehta, so Jesus went with him. Yeshu uske saath uske ghar chala. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपके घर आने में इंटरेस्टेड है, यीशु आपके घर में मुलाकात लेने में इंटरेस्टेड है। मालूम और लोग तो आनंदी थे यीशु मसीह को एक मैदान में मिलने में, उस नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, वहाँ पर लोग यीशु मसीह से मिलकर उसके चमत्कार को देखकर आनंदित थे, मगर एक आदमी था जो यीशु से कह रखा था सिर्फ मैदान में नहीं, मेरे घर मेरे साथ चल, यीशु तू मेरे घर मेरे साथ चल। कितने लोग आज सभाओं में, मीटिंगों में आते हैं, जब हम बाहर मीटिंग सभाएं करते हैं, कितने लोग मालूम बीमारियां लेकर आते हैं और चंगाई लेके घर चले जाते हैं, कोई यीशु मसीह को अपने साथ घर लेकर नहीं जाता है। मगर मैं आपको बताऊं, आज यीशु मसीह आपके साथ आपके घर आने के लिए तैयार है। इस समय जब मैं प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं देख रहा कोई है जिनके राइट साइड के पैर में घुटने से नीचे का भाग सामने के भाग में आपको दर्द होता है, सामने के भाग में आपको दर्द होता है, घुटने से और नीचे के भाग में, बीचों बीच के भाग में, राइट साइड के पैर में आपको दर्द होता है, प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपको चंगाई दे रहा है। इसी समय प्रभु यीशु मसीह की चंगाई आपके देह में प्रवेश कर रही है, यीशु वहां आपके घर में आपके पास गए, वह आपको चंगाई दे रहा है। यीशु के नाम से मैं आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोई है जिसके लेफ्ट साइड के किडनी में प्रभु चंगाई को रिलीज कर रहा है, आपके लेफ्ट साइड की किडनी में आपको उस भाग में लेफ्ट साइड में आपको एक अकड़न सा फीलिंग होता है, प्रभु इस समय आपको चंगाई रिलीज कर रहा है, यीशु के नाम से मैं कहता इसी समय, इन जीसस नेम, इसी समय अपनी चंगाई को रिसीव करो, प्रभु आज की सुबह आपको चंगाई देना चाहता है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
याईर यीशु मसीह को लेकर निकला। अब आप देख सकते हैं याईर कितना जल्दी चाहता है अपना मिराकल हो। याईर यीशु मसीह को लेकर निकला, याईर कहता है यीशु जल्दी चलो, जीसस जल्दी चलो। और जब यीशु मसीह निकला तो बड़ी भीड़ भी यीशु मसीह के पीछे निकल ली, बड़ी भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे निकली। हम पढ़ते नहीं बैठेंगे सारी चीजें, मगर मैं चाहता आप बड़ा ध्यान दे, ध्यान से सुनते रहे। बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे निकली, जाते 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 भीड़ लोगों की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी, और सडनली एक महिला की एंट्री स्टोरी में होती है। बाइबल का वचन कहता है पीछे से आकर इस महिला ने यीशु के कपड़े के कोने को छुआ। 12 साल से इसका लहू बहता था। सोच के देखो, ये महिला को 12 साल से लहू बहता था, याईर की बेटी 12 साल की थी। इसका मतलब इस महिला के जीवन में जिस वर्ष बीमारी शुरू हुई उस वर्ष याईर के घर में बेटी पैदा हुई थी। जितने साल की उसकी बेटी है उतने साल की इसकी बीमारी है। मैं आपको बताऊं, कितने भी वर्षों की आपकी तकलीफ क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए इलाज है, प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए छुटकारा है। आज इस समय विश्वास करो, विश्वास से अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाओ। देखो, एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को अपने घर लेकर जा रहा। वो चाहता तो अपनी बेटी को उठा के ला सकता था, 4 लोगों को बोलकर, जैसे झोले के मारे को लोगों ने उठाकर यीशु के पास लेके आया था, ऐसे याईर भी अपनी बेटी को खटिया पर उठाकर ला सकता था। मगर याईर ने बोला, नहीं, मैं बीमारी को यीशु के पास नहीं लाऊंगा, यीशु को अपने घर लेकर जाऊंगा। वही ये 12 वर्षों से लहू बहने वाली स्त्री, वो अपने मन में सोची, उसको भी किसी ने बताया यीशु तेरे घर के सामने से जा रहा है, और ये महिला निकल कर आई। लहू बह रहा था, कमजोर दुर्बल लाचार थी, मगर चलती भी निकल कर आई और यीशु के कपड़े के कोने को छुआ। जब उस पाठ को मैं पढ़ता हूं ना, यीशु के कपड़े के कोने को छुआ और 12 साल की बीमारी छोड़कर भाग गई। उसी पल उसका बॉडी के ऑर्गन्स जान गए, किसी की महिमा अंदर घुस गई। वाह, हीलिंग वर्च्यू, यीशु का हीलिंग सामर्थ अंदर एंटर कर गया। लिसन, यीशु की चमड़ी को नहीं छुआ, यीशु के पैरों को नहीं छुआ, हाथ को नहीं छुआ, यीशु के कपड़े के कोने को छुआ। ये कपड़ा मालूम, सुनना प्लीज, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। ये कपड़ा यीशु मसीह ने शायद सुबह पहना होगा, नहा धोकर ये वाला साफ कपड़ा पहना होगा। सुबह से अभी 12 घंटे भी नहीं हुए गए, 12 घंटे भी नहीं हुए, चलो पकड़ लो 12 घंटे हो गए कपड़ा पहनकर। 12 घंटे ये कपड़ा यीशु का यीशु को लिपटा हुआ है, 12 घंटे से ये कपड़ा यीशु को लिपटा हुआ है। 12 घंटे में यीशु की महिमा कपड़े में घुस गई। यदि कपड़ा 12 घंटे से यीशु को लिपटे रहने से कपड़े में महिमा घुस सकती है, यदि आप और मैं यीशु से लिपट जाए, यदि आप और मैं यीशु से लिपट जाए, अपना जीवन उसकी बाहों में दे दे और इस बात को जान ले, वो मुझ में और मैं उसमें हूं। यीशु मसीह जो कहता है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, यीशु मसीह ये कहता है मैं तुम में और तुम मुझ में, यदि हम इस रिश्ते को समझ जाए और यीशु मसीह में हम लिपट जाए, कपड़े से बढ़कर महिमा हम देखेंगे, कपड़े से बड़े काम हम देखेंगे। क्या हुआ मालूम, वो कपड़ा जो यीशु मसीह को लिपटा हुआ था, उस कपड़े के रेशे रेशे में महिमा यीशु की समा गई। वाह, आज मैं आपसे कहना चाहता, अपने यीशु से लिपट जाओ, अपने यीशु से लिपट जाओ। यदि प्रभु के सेवक आप वचन को सुन रहे और आप चाहते आपके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करे, आश्चर्य कर्म करे, अपने यीशु से लिपट जाओ। उसकी महिमा आप में बहेगी, उसकी महिमा आप में से होकर बहेगी। उस यीशु से लिपट जाओ, जैसे वो कपड़ा यीशु से लिपटा हुआ था, ऐसे आप यीशु से लिपट जाओ। मैं चाहता 2 मिनट अपने आप के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, लॉर्ड मैं तुझसे लिपट जाना चाहता हूं, जीसस मुझे अपनी बाहों में ले ले।
यीशु मुझे अपनी बाहों में ले ले, मैं तू मुझ में और मैं तुझ में, मैं इस रिश्ते में रहना चाहता, दिन दिन भर मैं तेरी उपस्थिति में बना रहना चाहता हूँ। कभी अपना समय निकालो, एकांत में कमरे में जाओ, ऐसे 12-12 घंटे कपड़े के समान यीशु की उपस्थिति में रहो, प्रेजेंस में रहो, उसके प्रेजेंस में रहो, उसके प्रेजेंस में रहो और वो हम में प्रवेश कर जाएगा, उसकी महिमा उसकी सामर्थ हम में प्रवेश कर जाएगी। मैं आपसे कहता मालूम चेलों के विषय में लोगों ने यही कहा, इनके द्वारा ये काम इसलिए होते गए क्योंकि वे यीशु के साथ थे। यीशु मसीह के समान काम इनके जीवन में दिखाई देते, घर दार परिवार छोड़कर यीशु के पीछे निकल लिए, रात दिन यीशु के संग 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 संग, और यीशु की महिमा कपड़े के समान उनके अंदर प्रवेश कर गई। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता, प्रभु के दास दासियां, चर्च के मेंबर, प्रभु के सेवकों, मैं आपसे आपको इनकरेज करके कहना चाहता, यीशु से लिपटे रहने का ये समय है, यीशु से लिपट जाने का ये समय है, ताकि बड़ी महिमा हमारे जीवन से बहने पाए, हमारी जिंदगियों से बड़ी महिमा बहने पाए और प्रभु के अद्भुत अजायब काम हम अपने जीवन से होते हुए देख सके। सो नंबर वन, बाइबल का वचन कहता है, उसके कपड़े के कोने को छुई और चंगी हो गई। बट नाउ सुनना, याईर का ध्यान, याईर पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता। याईर भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहा, प्लीज हट जाओ बाजू, जल्दी हट जाओ बाजू, यीशु जल्दी चलो, मैं पता नहीं बेटी का क्या हाल है, मैं सच कह रहा बहुत कंडीशन खराब है, जल्दी चलो यीशु। मगर भीड़ के कारण यीशु जल्दी चल नहीं पा रहा, लोग यीशु के ऊपर गिर रहे हैं और मालूम इस डायरेक्शन में उनको जाना है, वो यहां से चले जा रहे हैं और चलते चलते यीशु रुक गया क्योंकि महिला ने कपड़े के कोने को छू लिया, यीशु मसीह में से सामर्थ निकल गई। नाउ इट सरप्राइजेस मी, सुनना ध्यान से, सरप्राइज मुझे लगता उसने यीशु को नहीं छुआ, कपड़े को छुआ और वचन कहता सामर्थ यीशु में से निकली। यदि आप यीशु के साथ लिपटे रहोगे ना, लोग छुएंगे आपको मगर सामर्थ होगी यीशु की, लोग छुएंगे आपको मगर सामर्थ बहेगी यीशु मसीह में से और महिमा दिखाई देगी अद्भुत रीति से। सुनो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। सो यहां पर याईर जो है वो कहता है हट जाओ बाजू जल्दी, मगर यीशु रुक गया। शायद याईर थोड़ा आगे बढ़ गया होगा मगर किसी ने कहा अरे यीशु रुक गया, याईर मुड़ के देखा यीशु क्यों रुक गए आप, चलो। यीशु कहता किसी ने मुझे छुआ है। चले भी सरप्राइज हो गए, क्या बोल रहे हो जीसस, लोग आपके ऊपर गिर रहे गए। यीशु कहता ये छूना अलग है, वो छूना अलग है। ओ, दो प्रकार का स्पर्श, दो प्रकार का स्पर्श, एक ऐसे ही कुछ कुछ काम का नहीं, ऐसे ही भीड़ उस पर गिर रही है मगर एक स्पर्श है जो अलग स्पर्श है। ये अलग स्पर्श कौन सा स्पर्श है, थोड़ा सा आपको खुला करना चाहता हूं। ये अलग स्पर्श भूखे हृदय का स्पर्श है, ये अलग स्पर्श दीवानगी का स्पर्श है, ये अलग स्पर्श गहरे विश्वास का स्पर्श है। ऐसे ही बहते भी बहाव में बहने वाला स्पर्श नहीं है, ये डीप फेथ का स्पर्श है, ये भूखे हृदय का स्पर्श है। उस स्पर्श में ये महिला ने जब छुआ ना, मैं आपको बताना चाहता सुनो, जो भूखे हृदय से प्रभु को छूता है, जो दीवानगी से प्रभु को छूता है, जो गहरे विश्वास से प्रभु को छूता है, उस व्यक्ति में स्पंज के समान चूसने की सामर्थ होती है। जैसे स्पंज पानी पर गिरते बराबर पानी को सक कर लेता है, ऐसे उस व्यक्ति में वो सामर्थ होती है, वो यीशु मसीह में से अपने लिए चूस लेता है। ये महिला जानती नहीं थी उस दिन जिस विश्वास से वो अपने घर से जुनून के साथ निकली थी, उस दिन जिस दीवानगी से वो अपने घर से बाहर निकली थी, अंदर एक जुनून था आज मैं पाके रहूंगी जो 12 साल से मैं पाने नहीं पा रही हूं।
आज बरसों से जकड़ी भी इस बीमारी को अंत होना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत पैसा बर्बाद कर दी, बहुत सी चीजें हो गई, मगर अब एक और दिन नहीं, आज कुछ मैं हासिल करके रहूंगी। और वो हासिल करने के लिए उसने अपने मन ही मन सोचा है, मालूम उस शायद उसने अपने मन में इसलिए सोचा कपड़े को छूंगी क्योंकि उन दिनों में था ऐसी महिलाएं किसी को स्पर्श ना करे, वो अशुद्ध महिला है, पुरुष को छूने ना पाए, ये अशुद्ध होता है। तो उसने सोची होगी मैं यीशु को नहीं छूंगी, कपड़े को छू लूंगी। और उसने उस विश्वास में, जानती नहीं थी, उसके उस विश्वास में चूस लेने की सामर्थ्य है। आज मैं आपसे कहना चाहता, आपके मिराकल यीशु मसीह के अंदर है, आपके विश्वास में वो सक करने का पावर है, आपके विश्वास में वो यीशु मसीह में से चूस लेने का पावर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने फेथ को स्ट्रेच आउट करो। देखो सब कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, 12 साल से सोचो कितनी दवाइयां की, वचन कहता वैद्यों के पास जा जाकर बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, सारा पैसा रुपया खत्म हो गया। ये नहीं कि वैद्यों की गलती थी, दवाइयां काम नहीं आ रही थी, उसका शरीर काम नहीं दे रहा था, शरीर हालात ही ऐसा नहीं था, सब कुछ बिगड़ा हुआ था। मगर ऐसे समय में इस महिला ने फेथ में यीशु मसीह को छुआ, यीशु के कपड़े को छुआ और सामर्थ यीशु मसीह में से निकल गई। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं आप में यीशु मसीह में से अपना मिराकल चूसने की सामर्थ है, आप में सामर्थ है, अपने छुटकारे को चूस लेने की सामर्थ है। उठ खड़े हो, अपने विश्वास में खड़े हो, हालात जो भी हो अपने अंदर विश्वास में खड़े हो और एक निर्णय लो, आज मैं यीशु मसीह में से अपने लिए चूस लूंगा, विश्वास में आज मैं अपने लिए चूस लूंगा। और मैं कहता आज ही का दिन आपके लिए वो दिन है। सुनो, यीशु मसीह आया, नदी पार करके यीशु मसीह आया, बड़ी भीड़ के विषय में लिखा है मगर वहां के कोई आश्चर्य कर्म के विषय में लिखा नहीं है। और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, सुन ये दोनों भी जिन्होंने मिराकल पाया ये वहां उस भीड़ में नहीं थे, याईर की बेटी भी वहां नहीं थी, 12 वर्षों से लहू बहने वाली महिला भी उस भीड़ में नहीं थी। अगर आपको मालूम यीशु मसीह असली में वो भीड़ के लिए नहीं आया था, असली में ये दो भूखे और प्यासे लोगों के लिए आया था। आप समझ रहे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। सर्टन टाइम्स हमको समझ नहीं पड़ता है, सर्टन टाइम बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े मीटिंग्स जो है ना वो ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रचारक बड़े बड़े प्रचारक, मिराकल वाले प्रचारक भी आते हैं और लोग सोचते उन्होंने मीटिंग किया अपने लिए किया। मगर मैं आपको बताऊं कभी कभी पापा के दिल में, परमेश्वर बाप के मन में, परमेश्वर बाप के दिल में ना मैदान है, ना जिनने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया ऑर्गेनाइजर है, कुछ नहीं, उसके मन में उस गांव उस शहर में रहने वाले दुखी वो लोग हैं जिनको वो छुड़ाना चाहता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं ये रिकॉर्डिंग हम यहां से कर रहे, कैमरा सेटअप सारी चीजें लगाकर हम ये रिकॉर्डिंग अपने यहां से कर रहे हैं, अपने स्टूडियो में से कर रहे हैं, मगर आप नहीं जानते ये वचन, ये समय, ये पल प्रभु ने इसलिए ठहराया है ताकि आपके घर में वो आपको मिराकल दे सके। जैसे याईर के घर में याईर की बेटी को मिराकल मिला, ऐसे आपके घर में आज आपके लिए ये मिराकल है। विश्वास से इस महिला के ना ही अपने आश्चर्य कर्म को यीशु मसीह में से चूस लो, ये आपका समय है। प्रभु से कहो लॉर्ड आई एम रेडी टू रिसीव। लॉर्ड यीशु मसीह रुक गया, कहता मुझ में से कुछ सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। याईर कहता प्रभु बहुत से लोग छुए गए ना, चलना कोई बात नहीं, चल चल बहुत लोग छू रहे हैं, चलना। यीशु कहता नहीं नहीं नहीं, मुझ में से सामर्थ निकली है। और फिर यीशु मसीह मुड़ गया, याईर का घर इस तरफ है, यीशु इधर मुड़ गया, ऐसा लग रहा यीशु को मेरी तकलीफ पर ध्यान नहीं है। याईर के मन में यह कल्पना उठ सकती है, प्रभु मैंने तुझे इनवाइट किया, मेरे दुखों में मैंने तुझे इनवाइट किया, मगर तेरा ध्यान मेरे तरफ नहीं है,
तेरा ध्यान औरों के तरफ गए, औरों को तू मिराकल्स दे रहा, और लोग चंगे हो रहे गए। मगर प्रभु मैं जिस तड़पन और जिस तेजी में हूं तेरा ध्यान नहीं, प्रभु तू रुक गया। मैं तो चाहता तू दौड़े मगर तू रुक गया, और सिर्फ रुखा ही नहीं अब तो तू मुड़ गया, मेरे घर के तरफ तेरी पीठ हो गई और तू अब ढूंढ रहा गए कौन गए जिसने मुझे छुआ गए। प्रभु जाने देना जो भी गए, मुझे मेरा मिराकल चाहिए, याईर बेचैन है। यीशु मसीह कहता है, तब महिला ने देखा, बाइबल का वचन कहता, चेले आकर कहते प्रभु बहुत लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं, चेले बातें कर रहे हैं। याईर कहता जल्दी टाइम पास मत करो, जल्दी करो भाई, कौन गए किसने छुआ जल्दी बोलो। याईर बेचैन गए, याईर तेजी करना चाहता है, प्रभु अपने समय से काम करना चाहता है। मगर याद रखना मिराकल आपको जरूर मिलेगा, आश्चर्य कर्म जरूर होगा। बाइबल का वचन ये बताता है, उस महिला ने देखा कि मैं बच नहीं सकती, तो आखिर उस महिला ने कहा, अपनी कहानी बताना शुरू करी, 12 साल से मेरे को ये तकलीफ थी, मैं ऐसा ऐसा ऐसा, और अब याईर सोच रहा अब ख़त्म करेगी, तब ख़त्म करेगी, जल्दी ख़त्म करेगी। मगर महिला अपनी गवाही बता रही है, अपनी कहानी बता रही। यीशु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा महिला। और यीशु मसीह जब उससे बातें कर रहा था, उतने में याईर के घर से कोई दौड़ कर आया और आकर कहता याईर, याईर, मुड़ के देखा उसके घर का कोई व्यक्ति, कहता याईर तेरी बेटी नहीं रही, खत्म हो गई। सोच के देखो बाप का कंडीशन, मेरे आखिरी पल में मेरी बेटी के मैं नहीं था। यीशु सारी जिंदगी आराधनालय में मैं सेवा दिया, सारी जिंदगी मैं सेवा करता रहा, मगर जब मुझे जरूरत थी मेरे जरूरत में तू नहीं पहुंचा। यीशु तूने देरी कर दी, यीशु तू नहीं पहुंचा। मार्था और मरियम एक दिन यीशु मसीह से यही कहते, तू होता तो हमारा भाई लाजर नहीं मरता। यीशु जब भी तू आता हम भोजन बनाते, खिलाते, सारी चीजें करते, तेरे लिए हमने सब कुछ किया, कभी पीछे नहीं हटे, मगर जब हमारी जरूरत थी तू देरी किया यीशु, तू विलंब किया यीशु। यहां पर याईर का कंडीशन भी ऐसा है, यीशु मसीह की ओर देखता है, इस तरफ रास्ता देखता है अपने घर का, इधर यीशु मसीह को देखता है, क्या करूं क्या करूं। और खबर देने वाला कहता है, सुन तेरी बेटी नहीं रही याईर, एक काम कर, सुन गुरु को तकलीफ मत दे, अभी जाने दे, भीड़ ने उसको पकड़ लिया है, लोग वहां पर चंगे हो रहे, एक काम कर गुरु को छोड़ दे, तकलीफ मत दे, चल। याईर चाहता तो छोड़ता और भागता अपने घर में अपनी बेटी के उस देह को देखने के लिए भागता, मगर याईर भागने से पहले यीशु आवाज देकर कहता, याईर डर मत, विश्वास कर, डर मत, विश्वास कर। क्या विश्वास करूं, विश्वास से तो मैं आया था ना आपके पास, विश्वास से ही तो आपके चरण पर गिरा था ना, विश्वास से ही तो आपसे कह रहा था ना जल्दी चलो जल्दी चलो, मगर आप रुक गए यहां पर। क्या ये महिला के लिए मैंने आपको वहां से बुला के लाया था, क्या आप इस महिला के चक्कर में रुक गए, यदि आप चलते तो मेरी बेटी मरती नहीं, शायद वो चंगी हो जाती। यीशु मसीह कह रहा है, याईर तेरे पास सिर्फ चंगाई से छुटकारे वाला विश्वास है, मगर मैं आज तुझे बताना चाहता, तेरे विश्वास के परे काम करने वाला परमेश्वर हूं मैं। तेरे विश्वास के परे, जिस लेवल तक आपका फेथ पहुंच सकता और उसके ऊपर सोचना भी नहीं चाहता, या उसके ऊपर आपका मन कल्पना भी नहीं कर सकता, परमेश्वर उसके ऊपर आपके लाइफ में काम करना चाहता है। और प्रभु आपसे और मुझसे यह कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे सोचने और तेरे मांगने के परे काम करने वाला परमेश्वर मैं हूं। याईर तुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं था कि वो महिला कौन है जो मुझे छुई है, मुझे तो पहले से मालूम था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से मिराकल या मैं छुटकारा अपनी मर्जी से नहीं देता, मेरा पिता जो कहता है मैं वो करता हूं। और आज मेरे पिता ने उस महिला के लिए छुटकारा मुकरर किया था। याईर तुझे ऐसा लगता है, मगर सुन मैं तुझे बताना चाहता, मुझे मालूम है पहले से मुझे तेरी बेटी के साथ क्या करना है।
इट्स सो अमेजिंग। आपको मालूम यीशु मसीह याईर से कहता है, विश्वास कर, डर मत। और तब वो याईर के साथ घर पर आ गया। माहौल अलग है, आनंद के माहौल से यीशु दुखी माहौल में आ गया। आपको मालूम आपका मेरा यीशु इतना सुंदर है, जब वो आनंद के माहौल से निकलकर दुख के माहौल में आता है ना, तो वो दुख के माहौल को दुखी नहीं रहने देता, उस माहौल को चेंज कर देता है। वो आनंद के माहौल से निकलकर दुख के माहौल में आता इसलिए है कि दुख को मिटाकर आनंद का पटुका वो आपको और मुझको बांधने पाए। आज मैं यीशु के नाम से कहता, मेरे यीशु की उपस्थिति आपके घर के दुखों को दूर करे, आपकी जिंदगी के दुखों को दूर करे, आपके भीतर के दुखों को दूर करे, और उसकी उपस्थिति आपको आनंद से भर दे, उसका आना आपके लिए सच्चे आनंद का आना हो। क्यों दुखी थे ये लोग, क्यों रो रहे थे ये लोग? क्योंकि बेटी मर गई है, 12 साल की बेटी। क्या जिंदगी देखी है, कुछ नहीं, एक लौती एक बेटी। सोचो माँ कैसे छाती पीट कर रो रही होगी, बेटी मर गई है। और जब याईर वहां से आ रहा यीशु मसीह के साथ, पत्नी दौड़ के आकर याईर को लिपट गई होगी और कहती होगी, मैं बोल रही थी तुमसे मत जाओ, इस समय आखिरी समय में तुम अपनी बेटी के पास नहीं थे, आखिरी पल में तुम अपनी बेटी के पास नहीं थे। याईर के पास जवाब नहीं है कहने के लिए, अपने दुखों में सिर्फ यीशु को देखता है, अपने आंखों से आंसू बह रहे सिर्फ यीशु को देखता है, जानता नहीं अगले पल क्या होने वाला है, क्या हो रहा अब मुझे पता नहीं, मैं यीशु को क्यों घर लेके आ रहा हूं। पहले तो मुझे मालूम था कि मैं अपनी बेटी को चंगा करने के लिए लेके आ रहा हूं, मगर अब मुझे पता नहीं मैं यीशु को क्यों लेकर आ रहा हूं। क्या यीशु दफन विधि करेगा, क्या यीशु मेरे साथ रोएगा, मैं क्यों लेकर आ रहा, मुझे नहीं पता। मगर याईर सुन, तुझे नहीं पता तू यीशु को क्यों ला रहा, मगर यीशु को पता है वो क्यों आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता, अपने बिगड़े हुए हाल में समझ आए ना आए, यीशु से सिर्फ इतना कहो, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे नहीं समझ पड़ रहा मगर मुझे आप चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता, जब वो आएगा उसको मालूम है वो क्यों आता है, यीशु को मालूम है उसका प्रेजेंस क्यों आता है। यीशु मसीह उधर आया जब लोग बड़ी विपरीत हाल में थे, परिस्थिति में थे, यीशु मसीह ने देखकर कहा, क्यों तुम लोग रो रहे हो और कंफ्यूज्ड हो, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। रोते रोते लोग हंसने लगे, बाइबल का वचन कहता आप पढ़ना घर में, रो रहे थे और फिर हंसने लगे और कहते, हमने देखा अपनी आंख से वो मर गई है, ये कहता है सो रही है। यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाला, माता पिता को, अपने चेलों को लेकर दरवाजे को बंद किया और उस बेटी के हाथ को पकड़ा। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पढ़िए मेरे साथ में, 41 वर्स, मार्क 5वां अध्याय का 41वां वचन देखो क्या कहता है। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, सुनो सुनो सुनो, बाप ने क्या बोला था मालूम, आपको याद है पापा ने क्या बोला था उसका जब आया था? मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, आप पढ़िए मेरे साथ, 23 वर्स, 5:23 वचन। और यह कहकर उससे बहुत विनती की, हाँ, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हाँ, तू आकर उस पर हाथ रख, हाँ, तू उसको छू ले, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू उसको छू ले। यीशु मसीह काय के लिए आया था मालूम, छूने नहीं आया था, देखो क्या लिखा है, 41 वर्स, यीशु मसीह काय के लिए आया था पढ़ेंगे। और लड़की का हाथ पकड़ कर, यीशु छूने नहीं आया था, यीशु हाथ पकड़ने आया था। सुनो आज मैं कहता हूं, बहुत तेरे लोग यीशु का स्पर्श चाहते हैं मगर यीशु कुछ लोगों को पकड़ना चाहता है। बहुत तेरे लोग स्पर्श लेकर मिराकल पाते हैं मगर कुछ है जिनको यीशु पकड़ना चाहता है। जवान, यीशु तुझे पकड़ना चाहता है, और जब यीशु पकड़ेगा ना, मृत्यु
मृत्यु को भागना पड़ेगा। जब यीशु पकड़ेगा ना, वो व्यसन को तेरे को छोड़ के भागना पड़ेगा। जब यीशु तेरे हाथ को पकड़ेगा ना, तो जितनी चीजों ने तुझे पकड़ के रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा। यदि दुष्ट ने तेरी जवानी को पकड़ के रखा, आज उसको छोड़ना पड़ेगा। यदि व्यभिचार ने तेरी जवानी को पकड़ के रखा, आज उसको छोड़ना पड़ेगा। यदि व्यसन ने तुझे पकड़ के रखा, उसे छोड़ना पड़ेगा। यदि दुष्ट आत्माओं ने तुझे पकड़ के रखा, उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज यीशु ने पकड़ने का ठान लिया है। मैं आपसे कहता, आज आपके घर में वो आया है। आप जहां वचन सुन रहे, वो वहां आया है। और वो आपको छूने के लिए नहीं आया, वो आपको पकड़ने के लिए आया है। इस बेटी के समान जब यीशु पकड़ता है, मुर्दे जी उठते हैं। जगह जगह बाइबल में आप देखोगे, यीशु ने हाथ छूकर अष्टि को रोक दिया नयन गांव में, और उस जवान लड़के को पकड़कर उठाकर खड़ा कर दिया जो मर गया था, विधवा का बेटा। मैं आपको बताऊं, जिसको यीशु पकड़ लेता है जिंदगी बदल देता है। जिसको यीशु पकड़ लेता है उसका लाइफ चेंज करके रख देता है। आज एक पकड़ का ये समय है। यीशु आपको पकड़ना चाहता है। क्या लिखा है देखो, बाइबल का वचन कहता, एंड ही टुक द चाइल्ड बाय द हैंड एंड सेड टू हर, तलिता खुम, विच इज ट्रांसलेटेड लिटिल गर्ल, आई से टू यू अराइज। मैं तुझसे कहता हूं, उठ खड़ा हो। आज मैं कहता हूं, यीशु आपके हाथ को पकड़कर आपसे कहना चाहता, अपने धूल को झाड़ और उठकर खड़े हो जा। आज यीशु आपसे कहना चाहता, वो बिगड़ी हुई परिस्थिति में से उठकर खड़े हो जा, अपने वो बुरे हाल में से उठकर खड़े हो जा, अपने कठिन सवाल की भूमि पर से उठकर खड़े हो जा। आज प्रभु आपके हाथ को पकड़ने के लिए तैयार है। एक दिन जब जोशुआ रोता हुआ बैठा था, तब परमेश्वर आकर जोशुआ से कहा, मूसा मर गया है, मगर टूट कर खड़े हो जा। और उस दिन परमेश्वर ने कहा, जैसे जीवन भर में मूसा के साथ रखा, ऐसे जोशुआ मैं तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर ने जोशुआ के हाथ को पकड़ लिया, जोशुआ को लेकर जीवन भर लेकर चला। और मालूम, बाइबल का वचन कहता, सारे जीवन भर कोई शत्रु उस पर हावी नहीं होने पाया। जोशुआ अपने लाइफ भर एक सक्सेसफुल लोगों को जीतता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लाइफ में आज अद्भुत काम को शुरू करना चाहता है। एक नया लाइफ आपके जीवन में बिगिन करना चाहता है। वो सिर्फ आपको चंगाई छू कर नहीं देना चाहता, वो आपकी जिंदगी को पकड़ना चाहता है। क्या आज आप तैयार है ये कहने के लिए, लॉर्ड मुझे स्पर्श नहीं, मुझे तेरी पकड़ चाहिए, मुझे स्पर्श नहीं, मुझे तेरी पकड़ चाहिए। लॉर्ड याईर क्यों देरी कर रहा था मालूम, मैं क्योंकि तू स्पर्श मांग रहा था, मैं पकड़ना चाह रहा था। आज प्रभु पकड़ना चाहता है। माता पिताओं, प्रभु आपके बच्चों को पकड़ेगा। वो भटक गए हैं तो भी पकड़ेगा। क्या याईर के नाई आप आंसू बहाने के लिए तैयार है? जब याईर ने प्रभु के चरण पर आंसू बहाया, प्रभु ने उसकी बेटी के हाथ को पकड़ा। माँ अपनी बेटी के लिए प्रभु के चरण पर आंसू बहा, प्रभु तेरी जवान बेटी के हाथ को पकड़ लेगा। ए माता पिता, अपने जवान बेटे के लिए जो बिगड़ गया है, झगड़े में, गुंडागर्दी में, शराब में, बुरी आदतों में चला गया है, अपने उन जवान बच्चों के लिए आंसू बहा। बाइबल का वचन कहता है विलाप गीत में, अपने बेटे बेटियों के लिए रात के पहर उठ उठ कर विलाप करो, रो, आंसू बहाओ। क्या होगा प्रभु, जब हम तेरे चरण पर गिरकर आंसू बहाएंगे तो क्या होगा? मैं तेरे घर में आऊंगा। ओ, क्या करेगा तू घर में आके? मैं तेरे बच्चों को पकड़ लूंगा। हमारे बच्चे बहकेंगे नहीं, प्रभु आपके बच्चों को पकड़ेगा। आज बच्चे चर्च के बाहर बैठते हैं गाड़ियों पर, माँ बाप चर्च के अंदर। आज बच्चे बाहर बैठकर सिगरेट पीते हैं। मुझे याद है नवसारी में पास्टर के बच्चे गुजरात नवसारी में हर महीना में मीटिंग लेने के लिए 350 किलोमीटर अहमदाबाद से नवसारी जाया करता था। और जब मैं मीटिंग वहां लेता था, मैं स्टेज पर से कहता था कि जवानों, तुम्हारा जीवन इस वर्ष बदल जाएगा, परमेश्वर आपके लाइफ को बदलेगा। तो ये जवान इमली के पेड़ के नीचे बैठकर वहां से सिगरेट पीते हुए, तम्बाकू खाते हुए, शराब के नशे में वहां से बैठे हुए कहते थे, पास्टर सब बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। ये सारे जवान कहते थे। मगर आपको बताऊं, अभी पिछले महीना जब दिसंबर महीने में मैं वहां पर गया, यही जवान
मेरे साथ रात में बैठे हुए थे और मुझसे कहते, पास्टर हम सब पास्टर के बच्चे हैं, हम इमली के पेड़ के नीचे बैठकर जब आप बोलते थे तो वहां पर हम हंसते थे, मगर पास्टर आज हम सब जवानों ने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, पास्टर यीशु ने हमको पकड़ लिया है, पास्टर हमारा नशा छूट गया, हमारी सारी बुरी आदतें छूट गई, पास्टर आज हम सब प्रभु में आ गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माता पिताएं जो अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए दुखी है, इस बेटी को तो बीमारी ने पकड़ा था, मगर कुछ माँ बाप ऐसे आंसू अपने बच्चों के लिए बहा रहे जिन बच्चों को बीमारी ने नहीं, बुरी आदतों ने पकड़ा है, क्रोध ने पकड़ा गए, बुरी संगति ने पकड़ा गए, गुंडागर्दी ने पकड़ा गए, बुरी बुरे लतों ने पकड़ा हुआ गए, और माँ बाप रोते गए, कई माता पिता कहते गए कि गर्भ में मर जाता तो अच्छा होता, ये क्यों पैदा हुआ बच्चा, दुखी है माँ बाप। मगर मैं आपसे कहना चाहता, कोसने और बड़बड़ाने के बजाय आओ यीशु के चरण पर गिरे, आओ अपने दिल को यीशु के चरण पर उंडेले। आप काउंसिलर के पास गए होंगे, सलाहकारों से आप मिले होंगे, आपने सारी कोशिशें कर ली मगर बच्चे सुधरते नहीं गए, चिंता ना करें, मैं आपसे कहना चाहता, जब आप सारी कोशिशें कर चुके गए, एक और कोशिश यीशु के चरण पर गिर कर, एक और कोशिश यीशु को इनवाइट कर कर, ये कहकर कि यीशु मेरी बेटी तो यहां नहीं आ सकती, मेरा बेटा तो यहां नहीं आ सकता, मगर मैं विनती करता, क्या तू मेरे साथ मेरे घर चल सकता है, क्या तू उनसे मिलने के लिए आ सकता है। और मैं आपसे कहूं, आपके तड़पन की प्रार्थना, आपके डेस्परेट नीड का प्रेयर यीशु आदर करता है, विश्वास की प्रार्थना यीशु आदर करता है। एक याईर के लिए आने वाला प्रभु आज आपके लिए आने के लिए तैयार है, आपके बच्चों से मिलने के लिए तैयार है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप पुकारते हैं प्रभु बच्चों के हाथ को पकड़ता है, जब माँ बाप पुकारते हैं प्रभु बच्चों को उठाकर खड़ा करता है, गिरी हुई दशा से, मरी हुई दशा से का बोला अराइज, आज आपके बच्चों को यीशु का ये आवाज सुनाई दे, अराइज Arise, James, arise in Jesus name. Arise in Jesus name. यीशु के नाम से उठ खड़ा हो जा, यीशु के नाम से आज आपके बच्चों को आवाज यीशु की सुनाई दे। बाप को मालूम नहीं था यीशु क्या करने वाला है, मगर मैं आपको बताऊं, यीशु उठाने वाला है, गिरे हुए को उठाने वाला है, वो आपके बच्चों को ऐसे ही कब्र में जाने नहीं देगा, वो उठाकर खड़ा करेगा। आर यू विलिंग टू शेड योर टीयर्स ऑन हिज फीट? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मैं आपसे कहना चाहता, उसके कान धर्मी जन की दुहाई की ओर लगे रहते हैं, वो तत्पर रहता है उसके लड़के बालों को छुड़ाने के लिए, उसने वादा किया है और उसका वादा है, उसके जो माता पिता परमेश्वर का भय मानते हैं उनके बच्चे देश में पराक्रमी होंगे। मैं आपसे कहता, आपके बच्चों का अंत ऐसा ही नहीं होगा, प्रभु उनके हाथों को पकड़कर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिताजी, मैं आपको धन्यवाद देता लॉर्ड, जो वचन आपने मुझको दिया मैंने आपके बेटे बेटियों को दे दिया पिता। आज जो आपसे लिपट जाना चाहते हैं उन्हें अपने करीब आने का अनुग्रह दो लॉर्ड। पिताजी, जैसे कपड़ा आपसे लिपटा हुआ था 12 घंटे और सामर्थ से भर गया, ऐसे मैं प्रार्थना करता वो घंटे घंटों आपसे लिपटने का अनुभव हमें दो पिता, ताकि आपकी सामर्थ हम अपनी जिंदगी से बहता हुआ देखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, पिताजी आज आप पकड़ लो पिता, हमारे घराने परिवार के लोगों को, हमारे जवान बेटे बेटियों को पकड़ लो। हम माता पिताओं को पता नहीं हम कैसे बच्चों को सुधारें, कैसे उनकी जिंदगी को सही करें, मगर हम आपको इनवाइट करते हैं जीसस, और कहते हैं हमारे जवान बेटे बेटियों को पकड़ लो और उन्हें उठाकर खड़ा करो, मृत्यु उन पर हावी ना हो, आपका जीवन उन पर हावी हो लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है।
If you'd like to become a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. Till then, stay blessed and stay safe. Bye. Thank you.